गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड योर माइंडोलॉजी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे दिसंबर 2018 के फोर्थ वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के बारे में। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में कितने रुपये का सिक्का जारी किया? दोस्तों, इसका आंसर है 100 रुपये का। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। दोस्तों, उन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अटल जी की आवाज़ 4 दशकों तक भारत के आम लोगों की आवाज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर रक्षा मंत्री ने सूचना संलयन केंद्र का उद्घाटन किया? दोस्तों, इसका आंसर है गुरुग्राम। दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुग्राम में भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र का उद्घाटन किया। दोस्तों, जिसका उद्देश्य समुद्री जागरूकता विकसित करने और जहाज़ों पर जानकारी साझा करने के लिए भागीदार देशों और बहुराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करना है। दोस्तों, आईएफसी को गुरुग्राम में नौसेना के सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र में स्थापित किया गया। दोस्तों, जो लगभग 7500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट की एक सहज वास्तविक समय व तस्वीर उत्पन्न करने के लिए सभी तटीय रडार श्रृंखलाओं को जोड़ने वाला एक संलयन बिंदु केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है 24 दिसंबर। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को भारत में एक विशिष्ट विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस टाइमली डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स विषय के साथ मनाया गया। दोस्तों, इस दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। दोस्तों, इस अधिनियम को देश में उपभोक्ता आंदोलन में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है 23 दिसंबर। दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय किसान दिवस पूरे भारत में 23 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाया जाता है। दोस्तों, जो किसानों की स्थिति के उत्थान पर केंद्रित है। दोस्तों, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दोस्तों, उन्होंने गाजियाबाद में श्री चौधरी चरण सिंह की एक प्रतिमा का अनावरण किया तथा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 325 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। क्वेश्चन है, भारत ने ओडिशा तट से हाल ही में परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? दोस्तों, इसका आंसर है अग्नि 4। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने सेना द्वारा एक उपयोगकर्ता परीक्षण के भाग के रूप में अपनी परमाणु क्षमता वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। दोस्तों, जिसकी स्ट्राइक रेंज है 4000 किलोमीटर। दोस्तों, सामरिक सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि 4 मिसाइल का डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4 से परीक्षण किया गया। दोस्तों, इससे पहले व्हीलर द्वीप के रूप में भी इसे जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां ग्लोबल MSME बिजनेस सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? दोस्तों, इसका आंसर है नई दिल्ली। दोस्तों, आपको बता दें कि नई दिल्ली में सरकारी ई मार्केट प्लस के सहयोग से MSME मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा 2 दिवसीय ग्लोबल MSME बिजनेस सम्मेलन के 15वें संस्करण का आयोजन किया गया। दोस्तों, इस आयोजन का विशेष है बिल्डिंग पार्टनरशिप थ्रू ग्लोबल वैल्यू चेंज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिवाल खाजा नामक व्यंजन को GI टैग प्रदान किया गया, यह व्यंजन किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, इसका आंसर है बिहार। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में बिहार के सिवाल खाजा नामक व्यंजन को विशिष्ट भौगोलिक टैग प्रदान हुआ। दोस्तों, सिवाल खाजा की शुरुआत उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों तथा बिहार के पश्चिम जिलों में शुरू हुई। दोस्तों, इसका निर्माण गेहूं का आटे तथा मैदा, चीनी तथा इलायची इत्यादि से किया जाता है।
दोस्तों वर्तमान में यह व्यंजन बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश इत्यादि में काफ़ी लोकप्रिय है। दोस्तों इससे पहले बिहार की शाही लीची को भी GI टैग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल रंग 2018 का आयोजन किस शहर में किया गया? दोस्तों इसका आंसर है भोपाल। दोस्तों आपको बता दें कि छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भोपाल में राष्ट्रीय बाल रंग 2018 की शुरुआत की गई। दोस्तों इस कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में किया गया। दोस्तों इसका आयोजन मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा किया गया। दोस्तों इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को सांस्कृतिक विविधताओं तथा परंपराओं से परिचित करवाना है दोस्तों, जिससे उनमें सामाजिक सद्भाव की भावना उत्पन्न हो। दोस्तों इस कार्यक्रम का आयोजन पिछले 23 वर्ष से भोपाल में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राज्यों के DGP तथा IG की बैठक किस राज्य में शुरू हुई? दोस्तों इसका आंसर है गुजरात। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में समस्त भारत के राज्यों के पुलिस निदेशकों तथा महानिरीक्षकों की बैठक गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी के निकट शुरू हुई। दोस्तों इस बैठक में तीनों सुरक्षा बलों के प्रमुख तथा सभी राज्यों के गृह मंत्रियों तथा IB, CID, CBI तथा ATS जैसी एजेंसियों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। दोस्तों इस बैठक का प्रमुख एजेंडा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद तथा सीमा पार आतंकवाद इत्यादि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बहरोग संयुक्त आयोग की नवी बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? दोस्तों इसका आंसर है नई दिल्ली। दोस्तों आपको बता दें कि भारत व दक्षिण कोरिया के संयुक्त आयोग की नवी बैठक का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। दोस्तों इस बैठक की अध्यक्षता भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी तथा दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री कांग क्योंग व्या ने की। दोस्तों इस बैठक में दोनों देशों के बीच विशेष सामरिक साझेदारी योजना के तहत सहयोग की प्रगति का मूल्यांकन किया गया दोस्तों, तथा दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाने जाने पर सहमति प्रकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किसने साइकिल से विश्व का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई महिला बन गई है? दोस्तों इसका आंसर है वेदांगी कुलकर्णी। दोस्तों आपको बता दें कि 20 वर्षीय भारतीय महिला वेदांगी कुलकर्णी दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई बन गई हैं। दोस्तों उन्होंने दुनिया में साइकिल चलाने के योग्य बनने के लिए 29,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी। दोस्तों वेदांगी ने 14 देशों में एक दिन में 300 किलोमीटर तक साइकिल चलाने में 159 दिन बिताए। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटिश एडवेंचर जेनी ग्राम 2018 में दुनिया का चक्कर साइकिल चलाकर पूरा करने वाली सबसे तेज महिला बन गई दोस्तों, जो पिछले रिकॉर्ड की तुलना में 3 सप्ताह तेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरुंडी ने हाल ही में किसे अपनी नई राजधानी घोषित किया? दोस्तों इसका आंसर है गिटेगा। दोस्तों आपको बता दें कि बुरुंडी ने एक दशक पहले किए गए राष्ट्रपति पेरे नरकुरुंजीजा के वादे के अनुरूप देश के छोटे से केंद्रीय शहर गिटेगा को देश की नई राजनीतिक राजधानी घोषित किया। दोस्तों एक सरकारी प्रवक्ता ने गिटेगा को राजधानी घोषित करते हुए यह भी कहा कि पूर्व राजधानी बुजुम्बुरा, जो कि तजानिया झील के उत्तरी पूर्वी किनारे पर है, भविष्य में देश के आर्थिक केंद्र के रूप में पूरी तरह से काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस उपरक्षा मंत्री को देश का कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया? दोस्तों इसका आंसर है पैट्रिक सनहान। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह पेंटागन के प्रमुख के रूप में रक्षा सचिव जिम मैटिस को अपने डिप्टी पैट्रिक सनहान के साथ प्रतिस्थापित करेंगे। दोस्तों सनहान 1 जनवरी 2019 से कार्यवाहक रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे। दोस्तों मैटिक्स की मजबूत आपत्तियों और रक्षा सचिव टीम के अन्य लोगों पर सीरिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की घोषणा के बाद मैटिस ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में स्पेस बेस्ड ब्रॉडबैंड सेवा के लिए अपना पहला संचार उपग्रह लॉन्च किया? दोस्तों इसका आंसर है चीन।
दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने हाल ही में अपने स्पेस बेस्ड ब्रॉडबैंड सेवा के लिए अपना पहला संचार उपग्रह लॉन्च किया। दोस्तों इस संचार उपग्रह को लॉन्ग मार्च 11 कैरियर रॉकेट की सहायता से उत्तर पश्चिम चीन के जेयुक्वान उपग्रह लॉन्च केंद्र से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग के मुताबिक बाजार पूंजी के मामले में जर्मनी को पछाड़कर कौन सा देश दुनिया का सातवां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? दोस्तों इसका आंसर है भारत। दोस्तों आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग के मुताबिक बाजार पूंजीकरण के मामले में जर्मनी को पछाड़कर भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर पुरस्कार दिया गया? दोस्तों इसका आंसर है सुरेश प्रभु। दोस्तों आपको बता दें कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु को नई दिल्ली में 55वीं स्कॉच शिखर सम्मेलन में स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंजर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार सर्वोच्च स्वतंत्र रूप से स्थापित नागरिक सम्मान है। दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्री को सुधारों और विशेष रूप से बिजली क्षेत्र के सुधारों में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। दोस्तों इस अवसर पर इंडिया 2030 नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। दोस्तों जम्मू और कश्मीर में लेह के हिमालयी जिले में 35 आसान भुगतान इकाइयों की स्थापना के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी बैंकिंग और विस्तार के लिए जम्मू और कश्मीर बैंकिंग व वित्तीय रजत श्रेणी में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों अन्य पुरस्कार भी इसमें प्रदान किए गए, जैसे कि दोस्तों स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिया गया। दोस्तों स्कॉच स्प्रिट ऑफ द ईयर अवार्ड आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष बनाया गया? दोस्तों इसका आंसर है बीपीवी राव। दोस्तों आपको बता दें कि उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासक के तहत चुनाव में बीपीवी को तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। दोस्तों असम के तीरंदाजी संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले राव ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए चुनाव में त्रिपुरा के रूपक देवरॉय को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स वे युवा नाट्य समारोह 2018 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? दोस्तों इसका आंसर है नई दिल्ली। दोस्तों आपको बता दें कि सिक्स वे युवा नाट्य समारोह 2018 का आयोजन नई दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। दोस्तों इस समारोह का आगाज 22 दिसंबर 2018 को हो गया। दोस्तों यह समारोह 5 दिन तक चलेगा। दोस्तों इस समारोह का आयोजन साहित्य कला परिषद तथा दिल्ली सरकार के कला विभाग द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन है, अडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत कितने स्मारकों को शामिल किया गया? दोस्तों इसका आंसर है 10। दोस्तों आपको बता दें कि अडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना के तहत 10 धरोहर स्थलों को शामिल किया गया। दोस्तों यह पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा राज्य सरकारों का संयुक्त प्रयास है। दोस्तों इस योजना के तहत धरोहर स्थानों पर स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, रोशनी तथा वाईफाई इत्यादि की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर है 25 दिसंबर। दोस्तों 25 दिसंबर को भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सदैव अटल समाधि राष्ट्र को समर्पित की गई। दोस्तों सेंट्रल पीडब्ल्यूडी द्वारा समाधि को 10 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत से पूरा किया गया। दोस्तों निर्माण की पूरी लागत अटल स्मृति न्याय सोसाइटी द्वारा वहन की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने चीन के दूध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध को कितने माह तक बढ़ाया? दोस्तों इसका आंसर है 4 माह। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने चीन के दूध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध को 4 माह तक बढ़ाया। दोस्तों अब यह प्रतिबंध 23 अप्रैल 2019 तक लागू रहेगा। दोस्तों इसके लिए हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और किस राज्य में 15,000 से भी अधिक बच्चों के जन्म के लिए मुफ्त प्रसव कराने वाली सुलागिट्टी नरसिम्हा का निधन हो गया? दोस्तों इसका आंसर है कर्नाटक। दोस्तों आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुलागिट्टी नरसिम्हा का निधन बेंगलुरु में हो गया। दोस्तों वे 98 वर्ष की थी। दोस्तों नरसिम्हा ने कर्नाटक के पगवाड़ तालुक के एक दूरदराज गाँव कृष्णपुरा में 15,000 से भी अधिक शिशुओं की निशुल्क मदद की थी। दोस्तों नरसिम्हा को उनकी 70 वर्ष की सेवा के दौरान पारंपरिक प्रसव कराने के लिए कई सम्मानों से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के बाल देखभाल संस्था का नाम बदलकर जगन्नाथ आश्रम किए जाने की घोषणा की? दोस्तों इसका आंसर है हरियाणा। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में हरियाणा राज्य के बाल देखभाल संस्था का नाम बदलकर जगन्नाथ आश्रम किए जाने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में सबसे बड़े रेल रोड ब्रिज बोगीबिल का उद्घाटन किया, वह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर है असम। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में देश के सबसे बड़े रेल रोड ब्रिज बोगीबिल का उद्घाटन किया। दोस्तों यह पुल असम के डिब्रूगढ़ में बनाया गया। दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर व दक्षिण तट को जोड़ेगा। दोस्तों इस पुल की कुल लंबाई 4.94 किलोमीटर है। दोस्तों 1997 में संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री एचसी देवगौड़ा ने पुल का शिलान्यास किया था। दोस्तों वही 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इसका निर्माण शुरू किया। दोस्तों पुल के पूरा होने के लिए 5,920 करोड़ रुपए की लागत आई। दोस्तों बोगीबिल पुल को अरुणाचल से सटी चीन सीमा पर तक विकास परियोजना के तहत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दीपाली बोरठाकुर का निधन हुआ, वे किस राज्य से संबंधित थी? दोस्तों इसका आंसर है असम। दोस्तों आपको बता दें कि लोकप्रिय रूप से असम की कोकिला कही जाने वाली प्रसिद्ध असमिया गायिका दीपाली बोरठाकुर का निधन हो गया। दोस्तों वे 77 वर्ष की थी। दोस्तों कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए बोरठाकुर को 1998 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद ने हाल ही में टीवी स्क्रीन सिनेमा के टिकट और पावर बैंक सहित विभिन्न प्रकार की कितनी वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कमी की घोषणा की? दोस्तों इसका आंसर है 23। दोस्तों आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने 23 वस्तुओं की दरों में कटौती की। दोस्तों आम आदमी को राहत दिलाने के लिए जीएसटी परिषद ने टीवी स्क्रीन मूवी टिकट और पावर बैंक सहित 23 आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की दरों में कटौती की। दोस्तों वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा घोषणा के अनुसार दरों में कटौती का वार्षिक राजस्व निहार्थ 5500 करोड़ रुपये होगा। दोस्तों अब 28% का स्लैब ऑटो पार्ट्स और सीमेंट को छोड़कर केवल लग्जरी व सीन वस्तुओं पर प्रतिबंधित है। दोस्तों जिन पर उच्च राजस्व निहितार्थ के कारण कर की दरों में कटौती नहीं की जा सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा क्राकाटोवा द्वीप किस देश में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर है इंडोनेशिया। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में इंडोनेशिया में आई सुनामी और सुनामी की विशालकाय लहरें सुमात्रा तथा जावा द्वीप पर काफ़ी तबाही मचाई। दोस्तों अब तक सुनामी के कारण 429 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों जबकि 1400 से भी अधिक लोग घायल हो चुके हैं। दोस्तों इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण सुनामी आई। दोस्तों यह घटना अनक्राकाटोवा ज्वालामुखी में हुई। दोस्तों इस विस्फोट के कारण लाखों टन मलबा समुद्र में चला गया, जिस कारण बड़ी मात्रा में जल में विस्थापन हुआ। दोस्तों जिससे सुनामी की विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ। दोस्तों इंडोनेशिया प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। दोस्तों इस क्षेत्र में काफ़ी भूकंप आते हैं। दोस्तों इसके अलावा इंडोनेशिया में 127 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। दोस्तों जिसमें से कि एक ज्वालामुखी अनक्राकाटोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहले संगीत संग्रहालय की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? दोस्तों इसका आंसर है तिरुवेयारू।
दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु ने केंद्र सरकार के सहयोग से तिरुवयारु में देश के पहले संगीत संग्रहालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है। दोस्तों तिरुवयारु संत त्यागराज का जन्म स्थल है। दोस्तों वे कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक हैं। दोस्तों कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के दो अन्य सदस्य मुत्तु स्वामी दीक्षितकर तथा श्याम शास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। दोस्तों इसका आंसर है जालंधर। दोस्तों आपको बता दें कि 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पंजाब के जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में किया जाएगा। दोस्तों इसका आयोजन अगले वर्ष 3 से 7 जनवरी के दौरान किया जाएगा। दोस्तों इसकी थीम है फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने जल्द ही कितने रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा की। दोस्तों इसका आंसर है 20 रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जल्द ही अतिरिक्त सुविधा के साथ 20 रुपए के नए नोट पेश करेगा। दोस्तों रिजर्व बैंक ने पहले ही 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और 500 रुपए के मूल्य वर्ग में नए रूप रंग के करेंसी नोट जारी किए हैं। दोस्तों इसके अलावा 200 रुपए और 2000 के नोटों को विमुद्रीकरण के बाद पेश किया गया। दोस्तों नए नोट महात्मा गांधी श्रृंखला के तहत पेश किए जा रहे हैं। दोस्तों पहले की तुलना में नई करेंसी का आकार व डिजाइन में भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में अटल आयुष्मान योजना शुरू की गई। दोस्तों इसका आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों आपको बता दें कि अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना उत्तराखंड में शुरू की गई। दोस्तों योजना के तहत राज्य में प्रत्येक परिवार 5 लाख रुपए सालाना तक के चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकेगा। दोस्तों इस योजना से 23 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा और 1350 गंभीर बीमारियों को कवर किया जाएगा। दोस्तों देहरादून में योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री त्रिदेव सिंह रावत ने लाभार्थियों को योजना संबंधित स्वर्णकण वितरित किए। दोस्तों श्री रावत ने कहा कि सभी घरों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है क्योंकि सरकार चाहती है कि सभी लोग चिकित्सा का खर्च उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवर्ती समिति की पहली बैठक किस देश में आयोजित की गई। दोस्तों इसका आंसर है ईरान। दोस्तों आपको बता दें कि भारत अफगानिस्तान और ईरान के बीच त्रिपक्षीय चाबहार समझौते के क्रियान्वयन के लिए अनुवर्ती समिति की पहली बैठक बंदरगाह शहर चाबहार में आयोजित की गई। दोस्तों इंडिया पार्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी ने चाबहार में अपना कार्यालय खोला और परिचालन संभाला है। दोस्तों वे तीनों देशों के बीच व्यापार और पारगमन कॉरिडोर के लिए मार्गों पर सहमत हुए। दोस्तों यह पारगमन सड़कों और रीति रिवाजों और काउंसलर मामलों के सामंजस्य के लिए जल्द से जल्द प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देने में सहमति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों इसका आंसर है PV भारती। दोस्तों आपको बता दें कि PV भारती को कॉरपोरेशन बैंक के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों वर्तमान में भारती कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं। दोस्तों वे जय कुमार गर्ग का स्थान लेंगे। दोस्तों वे 1 फरवरी 2019 या इसके बाद पदभार ग्रहण करेंगे। दोस्तों विरूपाक्ष मिश्रा और बालकृष्ण असले एस को क्रमशः कॉरपोरेशन बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में किसके संक्रमण के कारण 6 मोरों की मौत के बाद उसे अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों इसका आंसर है H5N1। दोस्तों आपको बता दें कि पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में H5N1 जो कि दोस्तों बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है के संक्रमण के कारण 6 मोरों की मौत के बाद उसे अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में डेविजिंग महोत्सव की शुरुआत हुई। दोस्तों इसका आंसर है असम। दोस्तों आपको बता दें कि असम में चिरांग जिले में ए नदी के तट पर 3रा डेविजिंग महोत्सव की शुरुआत हुई। दोस्तों महोत्सव में लगभग 15 लाख पर्यटक भाग लेंगे।
दोस्तों असम के पीएचई मंत्री रेहान डेमरी ने कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इस महोत्सव का उद्घाटन किया। दोस्तों मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोस्तों 12 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में साहसिक खेल, फूड पार्क, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक खेल आयोजित किए जा रहे हैं। दोस्तों महोत्सव में थाईलैंड, भूटान और बांग्लादेश से प्रतिभागी भी पहुँचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोनो को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, वह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने गुजरात के गिर से एशियाई शेरों के बहुप्रतीक्षित स्थानांतरण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति द्वारा अंतिम शर्त के अनुपालन के रूप में कोना को वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। दोस्तों गुजरात के गिर से कोनो तक शेरों के स्थानांतरण के लिए मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। दोस्तों यह 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नई उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? दोस्तों इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के लिए अलग से उच्च न्यायालय 1 जनवरी से काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों कानून और न्याय मंत्रालय ने अमरावती में उच्च न्यायालय के गठन के विषय में अधिसूचित किया गया। दोस्तों आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय देश का 25वां उच्च न्यायालय होगा। दोस्तों हैदराबाद उच्च न्यायालय अविभाजित आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद अब सामान्य उच्च न्यायालय के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2018 में मानसून के बाद 39 में से कितने स्थानों पर साफ पानी पाया गया? दोस्तों इसका आंसर है 1। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने ताज़ा अध्ययन में कहा है कि जिन 39 स्थानों से होकर गंगा गुजरती है उनमें से केवल 1 स्थान पर इस साल में मानसून के बाद गंगा का पानी साफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सितार वादक को तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका आंसर है मंजू मेहता। दोस्तों आपको बता दें कि प्रसिद्ध सितार वादक मंजू मेहता को संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 के लिए तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तानसेन संगीत समारोह के उद्घाटन समारोह में 74 वर्षीय मेहता को पुरस्कार प्रदान किया। दोस्तों राजा मानसिंह तोमर सम्मान को 2017 के लिए वाराणसी में संकट मोचक प्रतिष्ठा और नई दिल्ली के नटरंग प्रतिष्ठान को 2018 में दिया गया। दोस्तों यह पुरस्कार अच्छे संगीत के पोषण के लिए संस्थाओं को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोताय छेरिंग भारतीय दौरे पर आए? दोस्तों इसका आंसर है भूटान। दोस्तों आपको बता दें कि भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोताय छेरिंग भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। दोस्तों भूटानी प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान हो रही है। दोस्तों अपनी यात्रा के दौरान भूटानी प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच बातचीत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से हटने का फैसला लिया? दोस्तों इसका आंसर है जापान। दोस्तों आपको बता दें कि एक ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव में जापान ने औपचारिक रूप से घोषणा की है कि वह अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग से हट जाएगा। दोस्तों अगले वर्ष 30 वर्ष से भी अधिक वर्षों में पहली बार अपने क्षेत्रीय जल में वाणिज्यिक व्हेल को फिर से शुरू करेगा। दोस्तों मुख्य कैबिनेट सचिव योशीहिदे सुगा ने घोषणा की है कि वह जापान जुलाई 2019 में वाणिज्यिक व्हेल को फिर से शुरू करेंगे। दोस्तों 1988 के बाद यह ऐसा पहली बार होगा। दोस्तों लेकिन यह भी अपने शिकार गतिविधियों को अपने स्वयं के जलीय क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया? दोस्तों इसका आंसर है रिकी पोंटिंग। दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को औपचारिक रूप से आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। दोस्तों पोंटिंग को एएमसीजी में अपने ही देश के आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेमर ग्लेगन मैकग्रा से उनकी
कॉमेमोरेटिव कैप प्राप्त हुई। दोस्तों पोंटिंग का नाम डबलिंग में आईसीसी वार्षिक सम्मेलन के दौरान आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ और इंग्लैंड की महिला विकेटकीपर बल्लेबाज क्लेयर टेलर के साथ रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आसियान देश की संसद ने मारिजुआना के चिकित्सा उपयोग को मंजूरी दे दी। दोस्तों इसका आंसर है थाईलैंड। दोस्तों आपको बता दें कि थाईलैंड ने हाल ही में चिकित्सा उपयोग और अनुसंधान के लिए मारिजुआना के उपयोग को मंजूरी दे दी। दोस्तों इस मंजूरी का असर यह होगा कि चिकित्सा उपयोग और अनुसंधान के अतिरिक्त मारिजुआना का आयात निर्यात उत्पादन भी वैध हो जाएगा। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट किए जाने की प्रक्रिया होने की समय सीमा 31 दिसंबर 2018 से बढ़ाकर किस समय तक कर दी है। दोस्तों इसका आंसर है 30 जून 2019। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट किए जाने की प्रक्रिया पूरी होने की समय सीमा 31 दिसंबर 2018 से बढ़ाकर 30 जून 2019 तक कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय जिले ने नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की दूसरी डेल्टा रैंकिंग के तहत सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दोस्तों इसका आंसर है विरुधु नगर। दोस्तों यह तमिलनाडु में है। दोस्तों आपको बता दें कि नीति आयोग ने देश के सबसे ज़्यादा पिछड़े जिलों की दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की। दोस्तों आपको बता दें कि इसे आकांक्षी जिलों की रैंकिंग करार दिया गया। दोस्तों आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने इस रैंकिंग को जारी किया। दोस्तों इस सूची में विरुधु नगर तमिलनाडु को शीर्ष स्थान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन द्वीपों के नाम के परिवर्तन करने का फैसला लिया है। दोस्तों इसका आंसर है उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अंडमान के रोस, नील व हवलोक द्वीप के नाम को बदलने का निर्णय लिया है। दोस्तों रोस, नील, हवलोक द्वीप का नाम क्रमशः नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप व स्वराज द्वीप किया जाएगा। इस परिवर्तन का नाम की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30 दिसंबर को अंडमान की यात्रा के दौरान की जा सकती है। दोस्तों 30 दिसंबर को नेताजी की अंडमान यात्रा के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दोस्तों नेताजी सर्वश्री आनंद मोहन सहाय, कैप्टन रावत एडीसी तथा कर्नल डीसी राजू के साथ 29 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर गए थे। दोस्तों नेताजी ने इंडियन नेशनल आर्मी जनरल एडी लोगनाथन को द्वीप का गवर्नर नियुक्त किया। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने इन द्वीपों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। नेताजी ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराया था। दोस्तों नेताजी मानते थे कि पोर्ट ब्लेयर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने वाला पहला क्षेत्र था। दोस्तों नेताजी ने अंडमान व निकोबार द्वीप का नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप रखने का सुझाव भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन करने का फैसला लिया है। दोस्तों इसका आंसर है फिलिस्तीन। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मलकी ने घोषणा की कि फिलिस्तीन जनवरी 2019 में संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्ण सदस्यता के लिए फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने टेहरी झील में सी प्लेन चलाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोस्तों इसका आंसर है उत्तराखंड सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने टेहरी झील में सी प्लेन चलाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोस्तों उड़ान योजना के तहत यह पहल की गई है। परियोजना के लिए झील किनारे 2.5 एकड़ जमीन का इंतजाम भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्था ने भूकंप आने से करीब 1 मिनट पहले लोगों को अलर्ट करने वाला वार्निंग सिस्टम बनाया है। दोस्तों इसका आंसर है आईआईटी रुड़की। दोस्तों आपको बता दें कि आईआईटी रुड़की ने भूकंप आने से करीब 1 मिनट पहले लोगों को अलर्ट करने वाला वार्निंग सिस्टम बनाया है। दोस्तों यह सिस्टम 6.0 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के झटके का पता लगाते ही एक्टिव हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद रफ़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका आंसर है लक्ष्मीकांत साताराम कुदूलकर। दोस्तों आपको बता दें कि स्पंदन आर्ट्स नामक एनजीओ ने हाल ही में दिग्गज म्यूजिक कंपोजर लक्ष्मीकांत साताराम कुदूलकर और पार्श्व गायिका उषा टिमोथी को मोहम्मद रफ़ी पुरस्कार से सम्मानित किया। दोस्तों मोहम्मद रफ़ी लाइफ टाइम पुरस्कार लक्ष्मीकांत साताराम कुदूलकर को प्रदान किया गया। दोस्तों इस पुरस्कार में 1,00,000 रुपये तथा एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है। दोस्तों उषा टिमोथी को मोहम्मद रफ़ी अवार्ड प्रदान किया गया। दोस्तों इस पुरस्कार में 51,000 रुपये व ट्रॉफी इनाम स्वरूप प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में हुए मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी ब्यूटी पीजेंट 2018 में किसको मिसेज इंडिया 2018 का खिताब मिला? दोस्तों इसका आंसर है दिव्या पाटीदार जोशी। दोस्तों आपको बता दें कि मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी ब्यूटी पीजेंट 2018 का समापन दिल्ली में हुआ। दोस्तों और दिव्या पाटीदार जोशी को प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। दोस्तों मध्य प्रदेश के रतलाम के निवासी दिव्या ने इस वर्ष 24 होनहार प्रतियोगियों को हराकर मिसेज इंडिया का ताज जीता। दोस्तों उन्होंने बेस्ट कैटवॉक टाइटल के साथ ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट के सभी राउंड जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पुरुष मुक्केबाजी का मुख्य कोच नियुक्त किया? दोस्तों इसका आंसर है सीए कटप्पा। दोस्तों आपको बता दें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता सीए कटप्पा को भारत का नया पुरुष मुक्केबाजी का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। दोस्तों वे हाल ही में शुरू हुए शिविर में अनुभवी कोच एसआर सिंह की जगह लेंगे, दोस्तों जो अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जीके ऑन योर माइंड ऑलवेज को। थैंक यू दोस्तों।